तो चलिए अब हमारा पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश के बारे में एक परिचय देखते हैं, सामान्य परिचय। ठीक है, याद रखिए हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं मध्य प्रदेश का। नवंबर 2018 से 10 दिसंबर 2019 तक एक करंट अफेयर्स रहेगा इन सभी लेक्चरों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक बार मैप देख लेते हैं हम लोग, सभी जिलों को देख लेते हैं। हो रहा है आपको बता दें, पश्चिम से पूर्व की कुल विस्तार है मध्य प्रदेश का 870 किलोमीटर। कितना? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितना है विस्तार? 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। यहाँ दो बातें याद रखना है आपको, क्या क्या? मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से लगे सटे हुए राज्यों की बात। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, पांच राज्य उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। अब कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? ठीक, तो याद रखिए रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, फिर दमोह, फिर जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह राज्यों से, चौदह जिलों से गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के। याद रखिए वो भारत के आठ राज्यों से गुजरती है। ठीक है, चौदह जिले कौन कौन से? रतलाम, उज्जैन, मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, अब यही बात कर लेते हैं हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे मानव रेखा कहते हैं, समय निर्धारण होता है जिससे। तो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से गुजरती है सिंगरौली से। ठीक, याद रखना सिंगरौली से गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ प्रमुख बिंदु। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मंगलनाथ, उज्जैन। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मंगलनाथ, उज्जैन में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? वर्षाली, बैतूल में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मंगलनाथ, उज्जैन में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु? वर्षाली, बैतूल में। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु? करौंदी, कटनी में। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु? विदिशा में। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु? सागर में। ठीक है, अब यही देख लेते हैं ये मध्य प्रदेश हमारा, इसकी अक्षांश और देशांतर कितनी है। तो 21 डिग्री 6 से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तर में मुरैना सबसे उत्तरी जिला, और दक्षिण में बुरहानपुर। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 से पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर है। पश्चिमी जिला क्या है? अलीराजपुर। और पूर्वी जिला सिंगरौली। तो याद रखना है मुरैना उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, और पूर्वी जिला है अलीराजपुर, सॉरी पश्चिमी जिला है अलीराजपुर और पूर्वी जिला है सिंगरौली। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं सीमावर्ती राज्यों से लगे जिलों की बात। तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, मैप में दिखा देंगे आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कितने जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो यह जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की और सबसे कम गुजरात से। तो उत्तर प्रदेश से कौन से ज़िले लगते हैं वो सभी देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले लगते हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ठीक है, एक तो सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और मुरैना। ठीक है, 13 पहले 12 जिलों की लगती थी, अब निवाड़ी अलग कर दिया गया, निवाड़ी से, टीकमगढ़ से ये नया जिला है, 52। ठीक है, 51 हो गया, 52वां जिला, टोटल 52 जिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग मुरैना से, राजस्थान से बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है मुरैना की और राजस्थान से लगती है, ये है हमारा राजस्थान। तो मुरैना भिंड की भी मुरैना, मुरैना के बाद शिवपुर की लगती है राजस्थान से, शिवपुरी, शिवपुरी की लगता है गुना की, राजगढ़, राजगढ़ के बाद आगरमालवा, आगरमालवा के बाद रतलाम, रतलाम के बाद है नीमच और मंदसौर और एक झाबुआ। ठीक, इन सभी जिलों की लगती है राजस्थान से, 10 जिलों की लगती है राजस्थान से, याद रखना। फिर है हमारा गुजरात, तो यह है गुजरात, गुजरात से कौन से, झाबुआ की लगती है, अलीराजपुर की, तो 2 जिलों की लगती है गुजरात से। ठीक है, फिर है राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, यह है महाराष्ट्र हमारा, तो महाराष्ट्र से किन किन की लगती है, बालाघाट, बालाघाट के बाद सीधी, बालाघाट, बालाघाट के बाद सिवनी, सिवनी के बाद है छिंदवाड़ा, फिर बैतूल, बैतूल के बाद है खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है, याद रखिए कितने से लगती है, 9 जिलों से लगती है महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर बचा छत्तीसगढ़ हमारा, छत्तीसगढ़ से सिंगरौली की लगती है, सीधी की लगती है, शहडोल की लगती है, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ठीक, याद रखिए ये सभी हैं उत्तर प्रदेश से 13 जिलों की लगती है, मध्य प्रदेश के 13 जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, राजस्थान से 10, गुजरात से 2, महाराष्ट्र से 9, छत्तीसगढ़ से 6। ठीक, याद रखना। अब बात करते हैं आगे हम लोग राजकीय चिन्हों के बारे में, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। तो राजकीय चिन्ह है 24 स्तूपों की बाह्य आकृति में के मध्य गेहूं और धान की बालियां
तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। ठीक है, द्राक्षकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, जिसे फाइकस वैन ग्लेंसिस कहते हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसे रोस रवस डुआ उसेली कहते हैं। राजकीय पशु दूधराज हो गया। राजकीय पक्षी है, पक्षी क्या है राजकीय, दूधराज अथवा साहे ए बुलबुल, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। ठीक, राजकीय मछली क्या है, महासीर, जिसे टोर प्यूटी टोरा। राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लीली, जिसे लीलियम कैंडिडम कहते हैं। ठीक, बात करते हैं मध्य प्रदेश पर, एक दृष्टि देखते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश के पुराने नाम क्या है, पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड वरार। अन्य नाम क्या है मध्य प्रदेश के, तो हृदय प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश और लघु प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले हैं व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश की राजधानी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, भोपाल है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य का अंतिम पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। ज्यामितीय आकृति की बात करें तो आयताकार है मध्य प्रदेश की, याद रखना आयताकार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 308,252 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बात करें तो ये 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है इसका द्वितीय, पहले पर राजस्थान है। उत्तर से दक्षिण की बात करें विस्तार की, तो 605 किलोमीटर है, पहले भी देख चुके। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 870 किलोमीटर है। अब राजकीय प्रतीकों की बात कर लेते हैं हम लोग, तो राजकीय भाषा क्या है, हिंदी मध्य प्रदेश की। राजकीय चिन्ह पहले भी देख चुके हैं, 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार हैं श्री महेश श्रीवास्तव, याद रखना इसे, श्री महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा था इसे वर्ष 2010 में। राजकीय पुष्प की बात करें तो सफ़ेद लीली है, जिसे लीलियम कैंडिडम कहते हैं। राजकीय पशु की बात करें तो वारहसिंगा है, वेडेरी प्रजाति का है, रोसर वस डुआ उसेली भी कहते हैं। राजकीय पक्षी की बात करूँ तो दूधराज या शाही बुलबुल एपेराटाइज फ्लाई कैचर है। राजकीय वृक्ष की बात करूँ तो बरगद, जिसे फाइकस वैन गैलेंसिस कहते हैं। 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए थे। ठीक है, राजकीय मछली की बात करें तो महासीर है, टोर प्यूटी टोरा 2011 में घोषित किया गया था। राजकीय नाट की बात करें, नाट की तो माछ है, मालवा क्षेत्र का है। राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है, नाट है माछ और नृत्य है राई, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है, जिसे ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं। राजकीय खेल है मलखम, 2013 में घोषित हुआ। राजकीय नदी है नर्मदा नदी। राजकीय फल है आम, मैंगी फेरा इंडिका कहते हैं जिसे। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं। ठीक, तो राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी है, 11। लोकसभा सीटें कितनी है, 29। 11 है राज्यसभा, लोकसभा है 29। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा में सीटें हैं 4। कौन कौन सी, अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए भिंड है, टीकमगढ़ है, देवास है, उज्जैन है। कौन कौन सी, भिंड, टीकमगढ़,
देवास उज्जैन। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो 6 है। कौन कौन सी? रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल। तो याद रखिए, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल। और एससी के लिए कौन सी है? अनुसूचित जाति के लिए भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। विधानसभा सीटों की बात करें तो 231 हैं, जिनमें से 230 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होता है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 35 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 47, एससी के लिए कितनी है? 35, और एसटी के लिए 47। आगे बात करते हैं प्रशासनिक संरचना के बारे में। राज्य में कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। और मध्य प्रदेश का 53वां जिला नागदा प्रस्तावित है, ठीक है? तो 52 जिले हैं। 52वां था निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं? तो याद रखना है 420, 420 अपडेट कर लीजिए। राज्य में कुल विकासखंड 313 है। आदिवासी विकास खंडों की संख्या 89, नगरों एवं शहरों की संख्या 476, कुल नगर निगम 18 हैं, याद रखना। पहले 16 थे, अब 18। 17वां है भिंड, 18वां है दतिया। नगर पालिकाओं की बात करें तो 98 हैं। कुल नगर पंचायतों की बात करें तो 264 हैं। कुल जिला की बात करें तो 52 जिला पंचायतें हैं। कुल जनपद पंचायतों की बात करें विकासखंड स्तर के 313 हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, कुल ग्रामों की बात करें तो 54,903 हैं। कुल पुलिस जिले हैं 52। कुल पुलिस थाने हैं 1,099। पुलिस कंट्रोल रूम है 53। उच्च न्यायालय, जैसा कि आपको पता होगा, जबलपुर है। इसकी खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर। राज्यपाल की बात करें करंट में अभी 2019 में, तो लालजी टंडन है। मुख्यमंत्री है कमलनाथ। विधानसभा अध्यक्ष है नर्मदा प्रसाद प्रजापति, याद रखिए विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति है। मुख्य न्यायाधीश, जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को है अजय कुमार मित्तल। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ कुछ जनगणना के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ तथ्य। कुल जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,26,809 है। भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्थान है इसका 6वां, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद भारत में इसका 5वें स्थान पर आ गया, ठीक है? कुल पुरुष की बात करें 3,76,12,306, यानी कि 51.79% पुरुष हैं। महिलाओं की बात करें तो 3,50,14,503, यानी कि 48.21%। कुल शिशु की बात करें 0 से 6 वर्ष, 1,08,09,395 हैं। कुल शिशु वर्ष 0 से 6 में 56,36,172 है। कुल शिशु महिला की बात करें तो 51,73,223 है। एक कुल शिशु पुरुष वर्ग में है, वो एक कुल शिशु महिला के लिए, ठीक है? जनसंख्या की 10 की वृद्धि रही है 2001 से 2011 की भी 20.35%। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि रही है 2.03%। कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई 2001 से 2011 के बीच? तो आपको याद रखना है 1,22,78,786। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कर दर वाले जिले कौन से हैं? इंदौर में 32.7%, फिर उसके बाद झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं इंदौर पहले पर, फिर झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी।
न्यूनतम 10 की यह वृद्धि बात करें तो अनूपपुर, उसके बाद बैतूल, छिदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है इंदौर में, और न्यूनतम वृद्धि अनूपपुर में हुई है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिदवाड़ा है, 11,815 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो 2011 के अनुसार दतिया है, 2902 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2013 के अनुसार आगर मालवा है, 2785 वर्ग किलोमीटर। और 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार निवाड़ी है, 1318 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार जब हुआ था तब दतिया था, 2013 के अनुसार आगर मालवा है, 2013 में आगर मालवा बना, और 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार निवाड़ी है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 है प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में 17वें स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो भोपाल 855 सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना है। कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना है। न्यूनतम की बात करें तो घटते क्रम में, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में, सबसे कम डिंडोरी, उसके बाद शिवपुर, पन्ना, रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया। तो याद रखिए, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? भोपाल में, उस न्यूनतम डिंडोरी में, ठीक। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5,25,57,404, यानी कि 72.4% है, 72.4%। कुल शहरी जनसंख्या की बात करें तो 2,69,405 है, यानी कि 27.6% है कुल जनसंख्या का। अब बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या 1,13,42,320 है, राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% है। अधिकतम SC जनसंख्या मतलब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। तो अधिकतम अनुसूचित जनजाति SC अधिकतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन है? इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में झाबुआ है, उसके बाद अलीराजपुर है, डिंडोरी है, मंडला, उमरिया। अब SC अनुसूचित जाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता याद रखना है, यहाँ जनसंख्या था, यहाँ तो जनसंख्या में इंदौर में सबसे ज़्यादा है। प्रतिशतता के बाद बारे में बात करें तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद दतिया, टीकमगढ़, शाहजहाँपुर, छतरपुर। तो याद रखिए, जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है? इंदौर, और प्रतिशत के मामले में उज्जैन। अब बात करें हम लोग SC जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले में, प्रतिशत के मामले में भी कम है झाबुआ में, और जनसंख्या के मामले में भी SC के कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में याद रखना, जनसंख्या के हिसाब से इंदौर पहले नंबर पर है, और प्रतिशतता वाले जिलों में उज्जैन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ST अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या है 1,53,16,784, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। कितना है? 21.1%। अधिकतम ST जनसंख्या वाले जिले हैं, अधिकतम ST जनसंख्या वाले जिले धार, बड़वानी, झाबुआ, छिदवाड़ा, खरगोन। और न्यूनतम ST जनसंख्या वाले भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाहजहाँपुर। ST मतलब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशत याद रखना, यहाँ जनसंख्या के मामले में पूछ रहा था, तो इसमें धार, बड़वानी, झाबुआ, छिदवाड़ा, खरगोन है, और यहाँ प्रतिशत जनसंख्या की प्रतिशत के मामले में पूछ रहा है, तो अलीराजपुर 89%, उसके बाद झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला है। ST जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले में भिंड, यहाँ भी कम है, मुरैना, दतिया, मंदसौर, उज्जैन।
तो याद रखना है, एसटी की जनसंख्या वाले जिले सर्वाधिक कहाँ हैं, धार में, और प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर में, ठीक है। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या में भिंड है और प्रतिशत के मामले में भी भिन्न है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग आगे, राज्य में लिंगानुपात है 931 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, 931 है लिंगानुपात। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 918 है, याद रखना राज्य में लिंगानुपात है 918, 931 और शिशु लिंगानुपात है 918। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों में वयस्क लिंगानुपात में 20वें स्थान पर है और शिशु लिंगानुपात में 21वें स्थान पर है, ठीक। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो बालाघाट 1021 है, फिर उसके बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो भिंड सबसे कम है 837, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। राज्य में कुल साक्षरता की बात करें तो 69.32% है, पुरुष साक्षरता की बात करें तो 78.73% है, महिला साक्षर की बात करें साक्षरता की तो 59.24% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो जबलपुर 81.07, फिर उसके बाद इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। तो सर्वाधिक जिलों में शामिल है जबलपुर, उसके बाद इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार है। साक्षरता की दृष्टि से देश में इसका क्रम है मध्य प्रदेश का 28वां। सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष की बात करें तो जबलपुर, इंदौर है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुषों की बात करें तो अलीराजपुर है। सर्वाधिक साक्षरता दर महिलाओं की बात करें तो भोपाल है पहले नंबर पर। न्यूनतम साक्षरता की दर महिलाओं की बात करें तो अलीराजपुर इसमें भी वहाँ पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें घटते क्रम में तो इंदौर है सब, फिर उसके बाद जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो हरदा, उमरिया, शिवपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर, ठीक है। अभी निवाड़ी जो नया जिला बना हुआ है 52 टीकमगढ़ से अलग करके, उसकी भी सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर घटते क्रम में तो जबलपुर, उसके बाद इंदौर, भोपाल, भिंड, बालाघाट। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, ग्वालियर। न्यूनतम महिला साक्षरता दर जिलों वालों की बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, शिवपुर, डिंडोरी है, शिवपुर के बाद सिंगरौली है, सॉरी। तीन विश्व धरोहर स्थल हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल। तो सबसे बात पहले बात करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं, आपको याद रखना है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों शैलाशरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज स्वर्गीय डॉक्टर बेडू विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने वर्ष 1957-58 में की थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर है सांची स्तूप, ये भी रायसेन जिले में है। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण ईसा पूर्वी 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर घोषित किया गया। खजुराहो के मंदिरों की बात करें तो ये छतरपुर जिले में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी में के मध्य चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो याद रखिए भीमबेटका को कब किया गया, 2003 में विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया। सांची के स्तूप को 89 में, 1989, और खजुराहो के मंदिरों को 86 में,
ठीक, तो ये था हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, ठीक है, वो अपडेटेड जो 2019 में तक जो भी अपडेट हुआ है सब देख लिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है।